में इस देश की तो बड़ी विडंबना है कि यहाँ सत्यवादी राजनीति कम होती है, जातिवाद की राजनीति ज़्यादा होती है। नहीं, सवाल ये पैदा होता है, मुकदमे की पहले तहकीक होनी चाहिए, उसके बाद प्रोपेगेंडा करना चाहिए। इज्जत सबकी प्यारी है, जब तक मामला तहकीक के मरहले न मना आए उसका प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। एक रियल लाइफ सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। इस वक्त हमारे साथ AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बिहार के बाद अब यूपी में भी AIMIM की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है, उन तमाम मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। अख्तरुल इमाम जी, बिहार के बाद अब यूपी में भी पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं आप लोग, कितने सीटों पर इस बार यूपी में चुनाव लड़ेंगे और अलायंस को लेकर? यूपी में पार्टी का विस्तार करने नहीं जा रहे हैं, यूपी में पार्टी पहले से विस्तारित है। हम यूपी में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बिहार के बाद हम उस बार इलेक्शन पहले भी लड़ चुके हैं, वहाँ 2015 में लड़ चुके हैं। तो अभी तो तैयारी, वहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो सौ जगह की तैयारी की बात कही है, और अभी देखिए आइंदा फैसला क्या होता है। बहरहाल निशाना सौ पर है अलायंस को लेकर के अब तक जो बात चल रही है, फिरका परस्तों को छोड़कर दिल और दामन दरवाज़ा सब AIMIM का खुला पड़ा है ना। इस मुल्क को दुश्मनों ने जितना नुकसान पहुंचाया है उससे ज़्यादा फिरका परस्ती के जहर ने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए फिरका परस्ती का खात्मा होना चाहिए और जो लोग भी चाहते हैं अमन अमान उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कुछ सवाल ले लेते हैं अख्तरुल इमाम जी। स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुँचते हैं, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? अब सवाल ये पैदा हो कि उसके बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी नहीं है कि उनकी क्या मसरूफियत थी, उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा आए ना आए। बहरहाल चूँकि जीवन और मरण, पैदाइश और मौत सब के यहाँ है, तो गम और शादी के मौके को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। चिराग पासवान काफ़ी नाराज़ दिख रहे थे, उन्होंने जातिवाद का आरोप भी लगा दिया है। अब मुमकिन है उनका मामला होगा। बहरहाल देश में, इस देश की तो बड़ी विडंबना है कि यहाँ सत्यवादी राजनीति कम होती है, जातिवाद की राजनीति ज़्यादा होती है। एक आखिरी सवाल कि समस्तीपुर से सांसद हैं प्रिंस राज, जिन पर बलात्कार का जो आरोप है लगा है, केस दर्ज हो चुकी है, किस रूप में देख रहे हैं एक सांसद पर इतना बड़ा आरोप लगना, FIR दर्ज? नहीं, सवाल ये पैदा होता है, मुकदमे की पहले तहकीक होनी चाहिए, उसके बाद प्रोपेगेंडा करना चाहिए। इज्जत सबकी प्यारी है, जब तक मामला तहकीक के मरहले न मना आए उसका प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। पर लड़की ने कई बार खुलकर स्टेटमेंट दिया है और लंबे वक्त के बाद FIR दर्ज होना, हर लड़का हर लड़की के बयान को सच्चा नहीं माना जा सकता है जब तक कि इंसाफ के तराजू में से तौल न लिया जाए। पर आपको नहीं लगता एक सांसद पर इस तरीके से? यकीनन है कि इल्ज़ाम किसी पर लगे, आप पर लगे, हम पर लगे, किसी शरीफ इंसान है, रिक्शा वाले की भी इज्जत है, इज्जत सबकी प्यारी है, लेकिन मीडिया को भी ये चाहिए कि किसी की बेइज्जती की खबर तो खूब उछालते हैं, और बाढ़ बरस के बाद जब कोई मुकदमा से बड़ी हो जाता है तो किसी को फुर्सत उसकी खबर की छापनी नहीं होती है। तो इसलिए जरा इस पैमाने को, मीडिया को अपना मिजाज सही करना चाहिए, और आरोप जब तक गठित नहीं हो जाए, सजा जब तक नहीं मिल जाए, किसी मुलजिम को मुजरिम नहीं समझना चाहिए। तो आपने सुना, जब तक जांच प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो जाए तब तक मुजरिम कहना गलत होगा, मगर कहीं ना कहीं अख्तरुल इमाम जी यह कहते जरूर दिखाई दे रहे हैं कि बिहार के बाद अब यूपी में दमखम लगाने जा रही है AIMIM। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहे, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।